हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में दक्षिण भारत के प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थलों की चर्चा की जाएगी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक स्थल बेल्लारी को देखेंगे। दोस्तों, बेल्लारी दक्षिण भारत में स्थित कर्नाटक राज्य में स्थित है, जिसे यफ फासेट महोदय के द्वारा 1892 ईस्वी में खोजा गया था। इस बेल्लारी की गुफा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे और इस क्रम में हमारा पहला तथ्य है। हाँ, तो ये दक्षिण भारत के आपातकालीन मानव की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र भी रहा है। और दूसरे पॉइंट के रूप में हम ये देख सकते हैं कि दक्षिण भारत में मानव अस्थियां, मानव अस्थियां, मानव अस्थियां सर्वप्रथम दक्षिण भारत से ही प्राप्त हुई है। इससे ये हम कह सकते हैं कि मानव प्रागैतिहासिक मानव दक्षिण भारत को ही अपना निवास स्थल सर्वप्रथम बनाया। और इस गुफा की तुलना स्पेन की कोगुल गुफा से की जाती है। स्पेन के कोगुल गुफा से की जाती है। किस गुफा की? बेल्लारी गुफा की तुलना स्पेन की कोगुल गुफा से की जाती है। और यहाँ से जो चित्र प्राप्त हुआ है, यहाँ से जो प्रमुख चित्र प्राप्त हुआ है वह 6 कोणों का सितारा। यहाँ से क्या मिला? 6 कोणों का सितारा, 6 कोणों का सितारा यहाँ से मिला, 6 कोणों का सितारा यहाँ से मिला। और जादू टोने का चित्र यहाँ से प्राप्त हुआ। जादू टोने से संबंधित चित्र भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। अब हम अगली गुफा देखते हैं। अगली गुफा को देखते हैं, बिलासरंगम। बिलासरंगम गुफा, इसकी स्थिति को यदि ध्यान में रखा जाए तो इसकी स्थिति जो है तमिलनाडु, स्थिति इसकी तमिलनाडु और वर्तमान में कहा जाता है कि ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है। वर्तमान में ये गुफा जो है आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आ गई है, कुछ ऐसे साक्ष्यों के आधार पर ये कहा जाता है। लेकिन पुरानी और प्राचीन किताबों में तमिलनाडु ही दिया गया है। अब इस गुफा के बारे में रंगे राघो, रांगे राघो ने 9 पाषाण काल का माना। इस गुफा को रांगे राघो ने 9
पाषाण काल का माना है। तो इस गुफा को रांगे राघव ने माना है क्या, नव पाषाण काल की ये गुफा उन्होंने माना है। और यहाँ से जो है साक्ष के रूप में जो मिलते हैं वो जो है हड्डियों से बने हुए कुछ हथियार, यहाँ से हड्डियों से बने हुए कुछ हथियार यहाँ से प्राप्त हुए हैं, प्राप्त है यहाँ से हड्डियों से बने कुछ हथियार प्राप्त हुए हैं। और जादू टोने से संबंधित चित्र भी प्राप्त हुए हैं। और ये जो जादू टोने से संबंधित चित्र हैं ये दक्षिण भारत की लगभग सभी गुफाओं में पाए गए हैं। अगली गुफा हम देख लेते हैं, यहां से बस इतने ही देखना है। बिल्ला संगम की स्थित तमिलनाडु है, अगर तमिलनाडु नहीं है तो आंध्र प्रदेश भी आप लगा सकते हैं। ये तमिलनाडु जो है प्राचीन पुस्तकों में जो है मेंशन इसका हुआ है, वहां पर ये मिलता है, लेकिन अब कुछ अन्य आधार या साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जाता है कि वर्तमान में वो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत ये बिल्ला संगम की गुफा आ गई है। और इस गुफा को राघव ने नव पाषाण काल का इसको माना है। यहाँ से हड्डियों से बने हुए कुछ हथियार प्राप्त हुए हैं और जादू टोने से संबंधित चित्र भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और कहा यह भी जाता है कि दक्षिण भारत के जितनी गुफाएं हैं वो सब जादू टोने से संबंधित त्रिकोण, सितारा, खटकोण, त्रिभुज, वृत्त, आयत, इन सभी की भरमार है यहाँ के दक्षिण भारत की गुफाओं में। तो जादू संभवतः ये माना जाता है कि ये जो इस तरह से ज्यामिति आकृतियाँ पाई गई हैं वो संभवतः जादू टोने से संबंधित रही होंगी। अगली गुफा हम देखते हैं, पल्लावरम। अब ये पल्लावरम गुफा कहाँ है, तो ये मद्रास के समीप है। अगर इसकी स्थिति के बारे में देखें, तमिलनाडु मद्रास के समीप तमिलनाडु में ये गुफा स्थित है। और इसकी खोज की बात यह होती है ১৮৬৩ ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट महोदय, खोजकर्ता रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा। तो यही ये पहला केंद्र है जो प्रागैतिहासिक स्थल के रूप में पहला खोज, पहला अनुसंधान वो 1863 में ही होता है। और इसकी शुरुआत रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा ही की जाती है। और यहाँ जो इस पल्लावरम की गुफा है इसकी एक विशेषता इसकी क्या है, इसकी विशेषता को यह ध्यान में रखें तो ये जो है यहाँ पर एक औजार क्लीवर, खुरपी, बिदरणी, क्लीवर बिदरणी
इसको खुरपी आज के समय में जाना जाता है, खुरपी के रूप में जो हम खुरपी इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसकी विशेषता क्लीवर गजड़ी के रूप में एक ये प्राप्त हुई है, इसकी खास विशेषता में है। और ये जो है पहली प्रागैतिहासिक ज्ञात कलाकृति है, ये पहली प्रागैतिहासिक कलाकृति है, पहली प्रागैतिहासिक कला कृति है। ये कहाँ से प्राप्त हुई? पल्लवरम से। अगले हम के इसको एक बार रिवीजन देख लेते हैं। पल्लवरम, इसकी स्थिति मद्रास के समीप तमिलनाडु में है। इसकी खोज 1863 ईस्वी में हुई और खोजकर्ता रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की। और इसकी विशेषता के रूप में देखा जाए तो यहाँ क्लेवर गजड़ी जिसे खुरपी कहा जाता है, ये पहली प्रागैतिहासिक कलाकृति के रूप में प्राप्त हुई। अगले केंद्र के रूप में हम देखते हैं वायनाड एटकम। वायनाड एटकम इसकी स्थिति देख लेते हैं। इसकी स्थिति कहाँ है? इसकी स्थिति केरल के वायनाड में है, केरल के वायनाड में है। और इसके खोज 1901 ईस्वी में इसकी खोज होती है और खोजकर्ता के रूप में एफ फॉसेट का नाम आता है। खोजकर्ता एफ फॉसेट इसके वायनाड एटकल की जो खोज 1901 में होती है और खोजकर्ता के रूप में एफ फॉसेट आते हैं। यहाँ जो चित्र प्राप्त हुए हैं, यहाँ से जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो स्वास्तिक के चित्र प्राप्त होते हैं, सूर्य के चित्र प्राप्त होते हैं, चक्र के चित्र प्राप्त होते हैं, स्वास्तिक, सूर्य, चक्र, स्वास्तिक, सूर्य, चक्र और चौमुखे खाने के चित्र प्राप्त होते हैं।